Hello Imagel users, welcome back to our channel. So today I'm going to tell you how to do a nail art like that. So guys, आज का जो टॉपिक है वो है स्वेटर नेल आर्ट विद ग्लिटर. तो हम लोग नेल आर्ट करने वाले हैं कुछ यूनिक, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं स्वेटर नेल आर्ट. सो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने पॉइंटी टिप ले लिया हमारा ट्रांसपेरेंट में, और उसके बाद एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे गोल्डन जेल पॉलिश की, और भर के जो है जेल पॉलिश लगानी है आपको. जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. इफ़ यू नीड कम ग्लिटर तो आप कम ग्लिटर लगा सकते हो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, अप टू यू. तो यहाँ पे मैंने मीडियम में लगाया है गाइस, मीडियम एप्लीकेशन करके, और उसके बाद हमने इसे क्योर करा पूरे 60 सेकेंड्स के लिए. एंड आफ्टर दिस मैं इस पर जो है लगा रही हूँ टॉप कोट ग्लॉसी, और टॉप कोट ग्लॉसी जो है उसकी लेयर जो होनी चाहिए बिल्कुल थिन होनी चाहिए, थिन एप्लीकेशन होनी चाहिए. यहाँ पे मैंने अपने कोस्टर पे लिया है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर से जो है मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ. थोड़ा सा नेल आर्ट कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं बेस बना लेती हूँ, और बेस कुछ इस तरीके से बनेगा मेरा. सो पहले लाइन्स को क्रिएट करना है, और उसके बाद उसको जो है अंदर से फिलअप करना है. इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को भी करना है. सो इफ़ यू नीड सम प्रोडक्ट, सो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं गाइस डायरेक्टली, टीम से जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप लोग. अगर आप लोग हमारा इंस्टाग्राम नहीं जानते तो इंस्टाग्राम पे आप जो है इमेजल प्रोफेशनल के नाम से मिल जाएगा. सो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा इंस्टाग्राम पेज हमारा, उसमें भी काफ़ी यूनिक यूनिक नेल आर्ट आपको मिल जाएगी. तो प्रेसो नेल्स भी मिलते हैं, और लैशेस भी अवेलेबल है गाइज, और नेल के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्यूटिकल पुशर से लेकर के क्यूटिकल ऑयल, एवरीथिंग एंड ऑल, सारी चीज़ें अवेलेबल है गाइज इन इमेजल प्रोफेशनल्स. यू कैन बाय एंड ट्राई. सो यहाँ पे बात करते करते ही हमने जो अपना नेल आर्ट कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गाइस टॉप मैट एप्लीकेशन. तो मैं इस सबको जो है मैट कर दूँगी, जो मेरा ग्रीन पार्ट है गोल्डन पार्ट है उन सबको जो है मैं मैट कर दूँगी. सबसे पहले हमने लगाया था ग्लॉसी, तो ग्लॉसी मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि ग्लिटर्स के चंक्स बहुत ज़्यादा जो है थिक थे, तो वो थिक एप्लीकेशन जो है इरिटेट करते हैं क्लाइंट को, कभी फंस जाते हैं नेल में या फिर स्किन पे लग जाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं लगती. सो इसीलिए मैंने जो है ग्लॉसी करके उसको लॉक करके उसके बाद ही ये मैंने सारी एप्लीकेशन करी है. सो गाइज यहाँ पे मैं मैट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं स्वेटर नेल आर्ट. सो यहाँ पे ये डन हो चुकी है हमारी नेल आर्ट, और इसके बाद हम लोग करेंगे इसके ऊपर जो है हम लोग स्प्रिंकल करेंगे हमारा एक्रेलिक पाउडर. तो एक्रेलिक पाउडर हम लोग स्प्रिंकल क्यों करते हैं गाइस, एक्रेलिक से क्या होता है, एक थिकनेस और एक 3D इफ़ेक्ट आता है एक्रेलिक पाउडर से. सो इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 3D इफ़ेक्ट लाने के लिए एक्रेलिक पाउडर यूज़ करते हैं. सो स्वेटर नेल आर्ट में हमेशा एक्रेलिक पाउडर क्लियर ही जाता है. इफ़ यू नीड ज़्यादा अच्छे से दिखाना है तो जिस कलर का जेल पॉलिश कर रहे हो उसी कलर का जो है आप लोग एक्रेलिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो. सो ये है इमेजल प्रोफेशनल से एक्रेलिक पाउडर, ये है क्लियर वाला, और मैं इसको, दैट्स माई वेरी फेवरेट एक्रेलिक पाउडर. सो मैं क्लियर ही प्रेफर करती हूँ हमारे क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को, और हम एग्जीबिशंस में भी जाते हैं तभी भी हम लोग एक्रेलिक पाउडर ही सजेस्ट करते हैं क्लियर वाला. सो गाइज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने अपना नेल आर्ट कंप्लीट कर लिया है, और उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ही हमारा एक्रेलिक पाउडर का. और एक्रेलिक के बाद जो है हम इसे क्योर कराएंगे पूरे के पूरे 60 सेकेंड्स, या फिर आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हो.
आफ्टर दिस कुछ नहीं करना है, सिर्फ पफी ब्रश चलाना है। सो जहाँ पे मेरा गोल्डन पार्ट एरिया है मैं वहाँ पे जो है टॉप कोट ग्लॉसी करूँगी, जहाँ जहाँ नेल आर्ट हो रखी है बारीकी वाला तो मैं वहाँ पे जो है मेरे पॉइंट ब्रश की हेल्प से जो है अच्छे से टॉप कोट ग्लॉसी की जो है एप्लीकेशन करूँगी। उसके बाद उसे क्योर कराऊंगी मैं, टॉप कोट को क्योर कराएंगे हम लोग 60 सेकेंड्स के लिए, और आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हो। और आफ्टर दिस फिनिश, और दिस इज़ आवर वेरी फाइनल लुक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।